मैं इंजीनियर जनक भारद्वाज फिर एक नई प्रॉब्लम के परमानेंट सलूशन के साथ। दोस्तों अभी अभी कॉल आई है कि कोई गाड़ी चल नहीं रही है, मूव नहीं कर पा रही है, गाड़ी स्टार्ट है। तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकडाउन, देखते हैं, रात का समय है, ठंड भी काफ़ी है, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम आपके साथ भी शेयर करेंगे। कभी ऐसा हो जाए तो आप कैसे करवा सकते हैं अपने काम को गाड़ी के, तो कैसे बता सकते हैं एक टेक्नीशियन को। पहुंचे हैं गाड़ी के पास अभी और देखते हैं कि क्या दिक्कत है। जो हमें बताया गया है उसके अकॉर्डिंग हम पार्ट्स भी लेके आए हैं, बट अभी देखते हैं। तो पूरा सिस्टम लेके आए हैं नया। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए, ये आवाज आपका जो क्लच है बिना किसी गियर डाले ही, बिना गियर डाले ही क्लच घूम रहा है। तो हमारा जो बिना क्लच दबाए एक्सल घूम रहा है दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम है, आपके एक्सल टूट गया है इसका, जो हमारा एक्सल राइट साइड। तो अभी गाड़ी को देखते हैं स्टार्ट करके। तो दोस्तों लाइटें पूरी मीटर पर आ रही है, ये देखिए लाइटें मीटर पे आ रही हैं और गाड़ी दोस्तों गाड़ी स्टार्ट भी होगी। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की है, क्लच मैं छोड़ रहा हूँ बिना गियर डाले, आवाज आ रही है दोस्तों कुछ। ये सुन रहे हैं आप, खड़खड़ की आवाज़ है क्लच छोड़ने पे, क्लच दबाने पे बंद हो रही है, क्लच छोड़ने पे आवाज़ आ रही है। ये देखिए क्लच दबाया दोस्तों, आवाज़ बंद होगी क्लच छोड़ने पे। तो देखते हैं ऐसी प्रॉब्लम अगर आपकी गाड़ी में बन जाए, कभी हो जाए तो क्या हो सकता है। बॉन्ड खोलिए बच्चों, क्लच जैसे छोड़ते हैं तो राइट साइड से एक नॉइस आ रही है। बट दोस्तों हम ये क्लच की भी हो सकती है अभी, बटन जैसे कहा था तो हमने क्लच प्रेशर और इसका एक्सल जो है वो अपने साथ लेके आए हैं, वो लेफ्ट एंड राइट दोनों लेके आए हैं। अब यहाँ आके हमें पता चले कि राइट ही इसका ब्रेक है, तो अभी एक्सल बदलेंगे दोस्तों। विद इन 10 मिनट में हम एक्सल चेंज करेंगे फास्ट। तो दोस्तों सबसे पहले एक्सल के लिए खोलना है व्हील, और जो एक्सल का नट है 30 mm का उसे भी करना है लूज।
तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक्सल के हो गए टू पार्ट, जो हमारा सीबी ज्वाइंट है वो हो गया ब्रेक। तो ये दोस्तों एकदम से कभी टूटता नहीं, इसके सिम्टम होते हैं, ये कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ कर देता है 6 महीने पहले से ही। तो आप इसको चेंज करा दें टाइम से, तो अगर बीच रास्ते में अगर फंस जाएँ तो देखिए इतना नुकसान हो जाता है, जिससे कि आपको 4 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। अभी ब्रेक डाउन आए हैं तो खर्चा ज़्यादा रहता है दोस्तों। टॉर्च मारो जी इस पे। तो जो ओरिजिनल हमारा MGP में GKN का आता है, और दोस्तों जेन्युइन पार्ट ही डालें, क्योंकि कोशिश रहती है कि लोग देसी डाल देते हैं। देसी में 1200-1500 का फ़र्क रहता है, बट इसकी जो दोस्तों 10 साल की वारंटी रहती है, 10 साल तक चलता है ये। कंपनी कोई नहीं देती है गारंटी वारंटी, बट जो हम यूज़ करते हैं हमें पता है कि कितना टाइम निकाल देता है। और जो आप देसी डालते हो 2500-2800 तक का डालते हो, वो आपका तकरीबन चलता है दोस्तों 1.5 साल, उसके बाद टूट जाता है। वो भी बड़ा फेमस है बंदा, वो जो कनोल्डा। चेक 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 चेक, ये मिस्त्री हम बट गया ना। पक्का खुली बैठी थी ना, क्या अग्रवाल जा चाड़ी, वो बोलता मैंने तो कोई 5000 रुपए का डिवाइस भी दिया, वही हीटिंग की थी सारे से। कौन है ये, ये उठा ले जाना, और क्या था बिठाल के जूठा। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों जो नक्कल का हमारा बोल्ट रहता है 14 mm का, इसको पूरा टाइट करें और प्रॉपर सस्पेंशन आपको इसमें बिठा लें, गलती ना करें सीखने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि कभी भी झटके में बाहर निकल सकता है, प्रॉपर ना बैठा हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्या बताएंगे आपको, कि इस वीडियो में क्लियर ये है कि आपका लाइव एक्सल, राइट साइड का लाइव एक्सल जो सिम्टम दे रहा था 5-6 महीने से, कड़कड़कड़ की आवाज़ लेफ्ट में या राइट में, जैसे आप टर्निंग कर रहे थे तो कड़कड़ की आवाज़ प्रोड्यूस होती है, तो ये टूटने वाला होता है। तो इसको टाइम से चेंज कराएं। अभी देखें जिस तरह एक्सल टूट गया है इसका, तो वही चीज़ हम आपको यहाँ क्लियर करना चाह रहे थे, और वीडियो में यही बता सकते हैं कि एक्सल सर्विस में आप इसके जो डस्ट कवर हैं, ये कहीं से ब्रेक ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं, जिसकी वजह से ऑयल गिर जाता है और एक्सल ख़राब हो जाता है आपका। सर्विस में आपने चेक करवाना है और इनको चेंज करवाना है, जिससे कि आपका 5-6 हज़ार रुपये का नुकसान बच सकता है दोस्तों। शादी के लिए घोड़ा आया था मेरी छोटी सी, उस टाइम घोड़ी है ना, साइड में दिल लेके घूम रहा उसको ना, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, छोटी सी बड़ी छोटी सी है, और उसमें हमने वो लगा दिया लकड़ी। इसमें भी दो है, मेरी दो बनी थी, इन्हीं से ही दो बनी थी, उसमें तो काफी सारी वीडियो हैं। तो काफी रात हो गई है और टेम्परेचर भी काफी डाउन हो गया है, तो फाइनली अब गाड़ी को एक बार चेक करेंगे। एक्सल लगाने का प्रोसीजर आपको बता दिया, वीडियो बनाने का मेन मोटिव भी आपको बता दिया, क्यों बनाया गया वीडियो, हर चीज को टाइम से पहले, कैंसर फर्स्ट स्टेज पे ना हो, फर्स्ट स्टेज पे ही उसका इलाज करवा दिया जाए दोस्तों। तो फाइनली अब चेक करते हैं गाड़ी को, जेन्युइन सामान, तो इस तरह से हमारे वर्क रहते हैं। तो दोस्तों सेटिस्फैक्ट्री काम करके दिया है, और कस्टमर की एक कॉल पे हम यहाँ पहुँचे हैं, और आपके साथ जो भी हमने डिस्कस किया जेन्युइन सामान क्या कैसे करना है, वो तरीका भी बताया, बाकी आप कस्टमर की जुबानी सुन सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, मैं इस गाड़ी का ओनर, मेरा
आज एक्सल टूट गया था इसका और आवाज़ कड़कड़ कर रहा था, तो मैंने जनक भाई से कॉन्टैक्ट किया। इन्होंने मुझे भी जैसे ही फ़ोन कटा उसी के आधे घंटे में तुरंत रिस्पांस किया, आए और गाड़ी एकदम ठीक करके दे दी, जेन्युइन पार्ट्स डाला और एकदम गाड़ी एकदम ओके चल रही है। तो दोस्तों हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे पहले चाहिए, काम सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए और जेन्युइन सामान होना चाहिए, रेट रीजनेबल होने चाहिए हमारे, और काम को एक पॉजिटिव वे में करना है दोस्तों। चाहे दिन हो, रात हो, बरसात हो, ठंड हो, जो भी मौसम है हमें खड़ा रहना है। जैसे अभी हम रात को यहाँ आए, जैसे कॉल की वैसे हम पहुँच गए हैं दोस्तों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को ऑन कर लें, जो हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक पहुँचे। कमेंट और लाइक करना ना भूलें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।